राधे कर। मैं सूत पुत्र कर। मैं परशुराम शिष्य कर। हाथ में गंगा जल उठाकर ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। मैंने अपनी माता को क्षमा किया। तुमसे द्वंद करके अनुज कदाचित किसी और शोध में हम अवश्य एक पक्ष में होंगे। मित्र, मैंने आपका वचन पूर्ण किया। आज एक तंदुरधर कौनते मारा लिखे। बस 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 अरे छोटे हो तुम कर्ण, छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंतेय। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो, तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, क्यों है ना कौनताई? दुर्योधन! कौन रहा हो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या, तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने सदैव
इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि कांदार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। उम्मीद है ना, जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कर्ण, कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा, करता गया इन पांडवों का पक्ष लेकर। मामाश्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है। दुर्योधन, चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध, अपने मन को टटोलो दुर्योधन, विश्वास खाते है तुम्हारा मित्र कर्ण। मैंने मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर गले से लगाया, सूत पुत्र से राजन बनाया, अर्जुन से द्वंद करने का सक्षम बनाया। और तुमने क्या किया? महाछल किया तुमने मेरे साथ। चले पितामह भीष्म के स्थान पर तुम्हें सेनापति चुना मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अरे आचार्य द्रोण के परलोक सुधारने के पश्चात भी मैंने साहस नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था मेरे मित्र में थी, तुम में थी कौन? दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अरे मेरे 98 भाई मर गए, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी दाई भुजा, मेरा अनुज दुशासन, मेरे अनुज दुशासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया, फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए कर्ण। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था, कि मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। और तुमने क्या किया? छल। वचन दिया था ना तुमने, वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कैसे अपना वजन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो? मित्र मुझे स्मरण है, मैंने तुमसे वचन लिया था ना, संध्या होने तक
कौलता ही धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौनता ही धनुर्धर का वाद। मत छीनो मुझसे मेरा मित्रगण, मुझे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राजपाट संसार मुकुट कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मित्र चाहिए। केवल मेरा मित्र चाहिए, मेरा मित्र मत छीनो ना। मैं अपने इस मित्र की बात मानो। ठीक है बिल्कुल सही थे। तुम दोनों तो संसार के सबसे अच्छे वैद्य हो, उपचार कर सकते हो मेरे मित्र का। स्मरण है ना, ये पहले भी एक बार प्राण का उपचार कर चुके हो तुम दोनों। एक बार और, एक बार और उपचार कर दो मेरे मित्र का। बदले में जो चाहिए हिला के दूंगा तुम दोनों। अरे मरण है ना, ये तो तुम्हारा भी ज्येष्ठ है। अपने अपने ज्येष्ठ के प्राण बचा लो। भीम, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना, 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है ना। भीम आओ, आओ और मेरा वध कर दो। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो भीम, मेरा वध कर दो, परंतु मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मेरे मित्र कर्ण के प्राण बचा लो ना। नहीं, युधिष्ठिर सब तुम्हारा, हस्तिनापुर तुम्हारा, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, सारा आर्यव्रत तुम्हारा, सारा सारा संसार तुम्हारा, सब स्वीकारता हूं। बस कर्ण को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब रख लो तुम, बस मुझे मेरा मित्र चाहिए। बचा। अरे अरे कैसे भूल गया, तुम तो यक्ष थे, अपने अपने सारे भाइयों को जीवित लौटा लाए थे ना। तुम कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ज्येष्ठ है तुम्हारा, तुम्हारा भी ज्येष्ठ है ये। इसके भी प्राण बचा लो ना, जीवित इसको जीवित लौटा लो। इतना कर लो मेरे लिए, इतना कर दो। अच्छा, तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, परंतु मुझे विश्वास है तुम मेरी बात मानोगे। मैं विनती करता हूं तुमसे, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र भी वापस लेना आता है,
ये अंजलि का अस्त्र वापस ले लो ना। अर्जुन देखो ना, मेरा मित्र कितनी पीड़ा में। कितना दर्द हो रहा है उसे। मैं स्वीकार करता हूं तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन मैं विनती करता हूं तुमसे, अरे मित्र के प्राण बचा लो ना। द्रौपदी और ये दुर्योधन, हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता है। मैं तुम पर किए हर एक अन्याय का पश्चाताप करने के लिए सज्ज हूं। बस मेरे मित्र को बचा लो। पांडवों से कहो ना, वो बचा लेंगे मेरे मित्र के प्राण। देखो वो मर रहा है। बचा मेरे मित्र के प्राण, बदले में बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। मेरा मित्र जा रहा है, रोक लो इसे। क्षमा भी मांग ली मैंने, लो, पर मुझे मेरा मित्र लौटा दो। अरे कोई है जो मेरे मित्र की प्राण बचा ले। वासुदेव, मैंने सदा तुम्हें चलिया कहा, परंतु पूरा संसार तुम्हें ईश्वर मानता है ना? तुम यदि सत्य में ईश्वर हो, मुझे मेरे मित्र के प्राण दे। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, प्रार्थना करता हूं मैं दुर्योधन हाथ छोड़कर आपके चरणों पर बैठकर आपसे विनती करता, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो वासुदेव। मेरे मित्र के प्राण लौटा दो। मैं वासुदेव, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा चैन उचित था मेरा चैन। Ah
100 जन्म में लूंगा ना, तभी यही मेरा चैन होगा। मैं अपने मृत्यु को इतरूंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत बोल, मुझे छोड़ के मत जाओ मित्र। मेरा साथ दिया, मुझे अपनाया, मैं संतुष्ट होकर अपने प्राण छोड़ रहा हूं। आज तुमने अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र की विद्या का मान रखा कर मैं धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है, मैं भले ही चिरंजीवी था परंतु तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, मृत्युंजय। तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न कभी इस धरा पर हुआ है और ना ही कभी होगा, ना ही कभी होगा। तुम्हारे जैसे दानवीर को ये संसार सदैव स्मरण करेगा। आज तुमने मेरे पृथ्वी पर आने के कारण को सफल कर दिया कर्ण। तुमने रणभूमि में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी कवच, कोई भी ढाल अपने सामने सबको निरस्त कर दिया, अपने सामने उसे शूद्र सिद्ध कर दिया। तुम श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होकर, सर्वश्रेष्ठ आज तुम अधिकारी बन गए हो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रणी पात्र दें। तुम्हारा कल्याण हो। संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा उठ जाए। आज मेरे पुत्र कर्ण ने अपने पिता सूर्य का तेज
कई गुना बढ़ा दिया। मुझे गर्व है कर्ण कि तुम मेरे अंश हो। इस संसार में जब तक मैं रहूंगा तुम्हारे शौर्य का तेज चमकेगा। समय आ गया है सखा। कदाचित अब तुम्हें आभास हो गया होगा यह युद्ध अनायास था। अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। नहीं पितामह, कदाचित अभी विश्वास हो गया है कि
ये युद्ध आवश्यक था। और है भी पितामह, आज आपके आपके वंश का पहला दीपक बुझ गया पितामह। कर आप भी जानते थे कि कर्ण मेरा चेष्ट, फिर भी आप मान रहे क्यों? क्यों पितामह? विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को है। ना आप समझे, ना माता कुंती समझे, और ना ही वासुदेव। कदाचित आप लोगों ने बता दिया होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ है तो सौगंध गुरु बलराम के पितामह मैं संसार का सारा राज्य उसे दे देता। क्यों क्यों नहीं बताया पितामह आपने? क्यों? युवराज, अंगराज का अंतिम संस्कार होने को है। तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहे फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। वीर गति पाके एक बालक आया तेरे आंचल छाया। क्यों ईश्वर, क्यों क्यों स्त्री को ये शक्ति दी कि वो कोई भी बात छिपा कर रख सके? पहले संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखे, फिर अपने संतान से जुड़े सत्य को अपने मन के गर्भ में रखे। अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया तो मेरी प्रार्थना सुन ले कि आज के पश्चात कोई भी स्त्री कोई भी रहस्य ना छुपा सके। Thank you.
किस अधिकार से तुम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हो? कौन लगता कौन है तुम्हारा? कुछ क्षण पहले पता चला कि इसको और तुम्हारा रक्त एक है, तो तुम्हें अधिकार मिल गया कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर दोगे। नहीं युधिष्ठिर, इसको अंतिम संस्कार करने का अधिकार उसको है जिसके लिए इसने अंतिम सांसें ली, और वो मैं हूं। मेरे माता पिता देख नहीं सकते, परंतु उनकी आंखों में भी एक स्वप्न है कि उनकी चिता को उनका ज्येष्ठ पुत्र अग्नि दे। अब कर्ण के जाने के पश्चात मैं ये नहीं जानता कि मैं अपने माता पिता को अग्नि दूंगा या तो मेरे पिता मुझे विदा करेंगे। अग्नि वो देता है जिसके चले जाने के पश्चात वो अनाथ हो जाए। और कर्ण के चले जाने के पश्चात मैं अनाथ हो गया हूं, इसीलिए उसे अग्नि देने का अधिकार केवल मेरा है, और मुझसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इस संसार को समझा है तब से तुमने मेरा साथ दिया है मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम बहुत शीघ्र मिलेंगे, सुन रहे हो कर्ण? इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाने नहीं दूंगा तुम्हें। इतनी सरलता से नहीं।
यह एक वीर की अंतिम यात्रा का प्रयाण है दुर्योधन, इसे शांति के साथ विदा करें। ज्येष्ठ की आत्मा को कष्ट होगा यदि सब एक साथ अग्नि न दें। ठीक है महर्षि, अपने मित्र की शांति के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। मित्र की चिता की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब यह युद्ध ना इंद्रप्रस्थ के लिए है और ना ही हस्तिनापुर के लिए। अब ये युद्ध है तो केवल मेरे मित्र के प्रतिशोध के लिए। सब समाप्त हो गया माता, सब कुछ। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कर्ण के साथ मेरी विजय, मेरा सुख, मेरा स्वप्न, सबका अंत हो गया। मां मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया, परंतु मां मेरे 100 भाई मारे गए। 99 वो जो आपके गर्भ से जन्मे,
और एक वो जिसने मेरे लिए समय के गर्भ से जन्म लिया। मेरा मित्र कर्ण, मैं नहीं रहा माता, माता आपको आपको 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मिला था ना माता, तो मुझे सदा 100 भाइयों के भाई होने का वरदान क्यों नहीं मिला माता? समय ने जो छीन लिया उसे लौटाया नहीं जा सकता पुत्र, परंतु जो अब मेरे पास शेष है उसे रहने दो। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र। नहीं 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 हिमाता, हिमाता श्री, इस युद्ध में मैं इतना कुछ खो चुका हूं और कुछ पाने की इच्छा भी शेष नहीं। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, अब या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव